हमारे देश भारत को आजाद हुए 65 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन यदि 65 वर्ष से पूर्व का इतिहास देखा जाए तो कई तरह की विषय वस्तु हमें देखने को मिलती हैं। भारत में अंग्रेजों ने जिस तरह से राजपाट चलाया उसके लिए उन्होंने पूरी व्यू रचना की, प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्थाएं बनाई। ऐसी व्यवस्थाओं का गवाह है कासगंज का समीपवर्ती गाँव छावनी। छावनी गाँव में स्थित ये खंडर इमारत कई तरह से गवाह है। इन खंडर बिल्डिंग में तहसील का संचालन होता था, यहीं से किसानों का लगान राजस्व वसूला जाता था। कोई किसान लगान नहीं दे पाता था तो उसे कोड़े मारे जाते थे या फिर इन्हीं कोठरियों में उसे जेल में डाल दिया जाता था। ये अंग्रेजों की जमाने की जेल कही जा सकती है। इस संबंध में गांव के निवासी विपिन बताते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ किसानों के साथ जुल्म भी किया था। पूर्वज लोग बताते हैं जब लगान नहीं दे पाते थे किसान तो उनको उस जेल में ले जाते थे और जेल में ले जाकर उनको उतने दिन रखा जाता था जितने दिन वो जितने पैसे की लगान नहीं दे पाते थे। हाँ, जो आज भी तहसीलों में है, अंग्रेज शासन के टाइम में जो था उसी प्रकार से जो है आज अपने यहाँ की जो भारतवर्ष की जो तहसील है उनमें भी है। जब किसान कर्ज ले लेता है और जो है नहीं दे पाता है तो आज भी तहसीलों में जो है तहसीलदार के द्वारा आरसी काट दी जाती है, उसके बाद जो है उसको हवालात में बंद कर दिया जाता है। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ अंग्रेजों का खासा बंदोबस्त था। इस गांव में एक बड़ी सेना रहती थी जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राज करती थी, यानी सेना यहीं से जाती थी। इस गांव की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना यहीं से अंग्रेजी अफसर एलन गार्डन ने की थी। शासन करने के लिए यहाँ अंग्रेजों ने सेना के साथ साथ बहुसंख्या में हाथी घोड़े पाले हुए थे जिनके पानी पीने के लिए यह तालाब बनाया गया था। हमारे यहाँ में ये जो है कब्र बनी हुई है, जो सबसे बड़ी कब्र है ये राजपूत रेजिमेंट के प्रथम जो जनरल थे एबिल गार्डनर उनकी है। हमारे गांव में जो है एक अंग्रेजों की जो फौज रहती थी उसके पानी पीने के लिए एक पक्का ताल भी बना हुआ था और जो है बारह द्वारी थी, घंटाघर था। और ये बताया जाता है पूर्वजों के द्वारा छावनी जो है का तहसील थी अंग्रेजों की और पटियाली को जिला बताते हैं और जो है यहाँ पे काफी बड़ी तहसील थी जो गंगा जमुनी के बीच की थी। इस गांव की एक बात और खास थी कि अंग्रेजों को भारत की फसल तब भी पसंद थी और आज भी। उस वक्त इस गांव में 25 बीघा आम का बाग था। इन पेड़ों की खास बात यह थी कि इन्हें दूध और गंगा जल से सींचा जाता था। किसान बताते हैं कि यहाँ 2.5 किलो के आम की जोड़ी हुआ करती थी जो कि विदेशों में जाया करती थी, भारतीय उसे नहीं खा पाते थे। रंजीत सिंह जी, आप बता रहे थे अभी कुछ देर पहले बातचीत में कि आपने वो आम ढोए। हाँ, हमने आम ढोए। क्या खासियत थी उनमें? खासियत ये थी गंगा जल और दूध से पाले थे पेड़। उनको अंग्रेज पाले थे? अंग्रेज ने पाला था। 25 बीघा बाग था उनका, समझे? तो उनकी जोड़ी थी 2.5 किलो की आम की। अंग्रेजों द्वारा बसाए गए इस गांव की खास बात ये एक और है कि यहीं से बर्मा के युद्ध के लिए सेना गई थी जिसमें उसकी विजय हुई थी। वहां से अंग्रेज निशानी के तौर पर अष्ट धातु का 84 मन का घंटा जीत कर लाए थे। उन्होंने अपने सेनापति भीमसेन को यह घंटा उपहार स्वरूप दे दिया था जो आज नदर स्थित शिव जी के मंदिर में लगा हुआ है। हमने बुजुर्गों से ये हासिल किया जानकारी कि यहाँ 4 बुर्ज थे, उन्हों पे तोप रखी हुई थी सुरक्षा कारणों से और वो गांव की देखभाल के लिए थी। और हमारे सामने 1998 में यहाँ सुनैनी गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति निकली थी कोठी में जो अंग्रेजों की है। उसमें यानी 86 किलो वजन था, 16 किलो सोना था उसमें और हिंदुस्तान के हिसाब से बताया जाता है कि उसकी कम से कम 60 करोड़ रुपये की कीमत थी। वो मूर्ति यहाँ कहाँ से आई? ये बर्मा से लाए थे युद्ध में जीत करके। एक घंटा बताते हैं, एक घंटा जैसे नदरी पे था वो वहाँ है और एक घंटा इस जो सामने देख रहे हैं इस मंदिर के लिए इसमें लाने के लिए बुला रहे थे, वो नदी में गिर गया था, ये बुजुर्ग लोग बताते हैं। एक घंटा जो था भीमसेन को दे दिया जो जी।
एक भीमसेन के लिए दे दे जो नदरी में उसका मेला लगता है घंटे का। समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गईं। जो अंग्रेज यहां रहकर दूसरे मुल्कों में युद्ध करते थे, उन्हीं अंग्रेजों को भारत के क्रांतिकारियों से कड़ा मुकाबला झेलना पड़ा और अंग्रेज हमेशा के लिए भारत से चले गए। अंग्रेज अफसर एलन गार्डन की मृत्यु यहीं हो गई और उसकी कब्र यहीं स्थापित हो गई, जो कि अब गुम्मत के रूप में यहां स्थापित है। हालांकि अन्य अंग्रेज अफसरों की मुख्य कब्र भी आज भी हिंदुस्तान की जमीन पर पनाह पाई हुई है। दोस्तों, ये हमारे देश का इतिहास रहा है कि इतिहास को संरक्षण करना और सजोना भारत ने और भारतीयों ने अच्छी तरह समझ रखा है। इसी का परिणाम है कि भले ही आजादी आज मिल गई हो, लेकिन वो अवशेष आज भी हमारे देश ने संजोए हुए हैं, जिससे ये लगे कि भारत के उन नागरिकों ने, उन नौजवानों ने, उन क्रांतिकारियों ने कितनी मुसीबतें सही थी और उसके बाद हमें इस देश में स्वतंत्र रूप से सांस लेने की आजादी मिली थी। बहुत से लोग इसे ये भी कह सकते हैं कि गुलामियत की ये प्रतीक है, लेकिन गुलामियत की प्रतीक नहीं है, ये प्रतीक वो है कि जिस तरह से हमने युद्ध को जीता, लड़ाई से जीता, धैर्य का परिचय दिया, उसके बावजूद हमने ये चीज रखी है कि हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी ये देखे कि उस जमाने में लोगों ने कितना कष्ट सहा और अपने भारत देश की संपत्ति को बचा लिया। न्यू न्यूज के लिए अपने साथी पुलकित के साथ रवि यादव।